सरसों की फसल पूरे हरियाणा में मुख्य रूप से बोई जाने वाली फसल है। सितंबर माह में सरसों की बुआई शुरू हो जाती है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में किसान सरसों की फसल की खेती करते हैं। सरसों की फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। आजकल हरियाणा में किसान सरसों की खेती बहुत कम मात्रा में करने लगे थे। सरकार ने सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत किस्मों के बीज तैयार किए। कुछ वर्षों पहले सरसों की खेती का रकबा घटा था, लेकिन सरकार द्वारा अच्छे प्रयास व किसानों की मेहनत के बल पर एक बार फिर सरसों की खेती का रकबा 2019 से 2020 व 2020 से 2021 में बढ़ा है, जो किसानों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जिन स्थानों पर सरसों की खेती नहीं की जाती, वहां किसान सरसों की फसल की तरफ ध्यान देकर बड़े पैमाने पर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। सरसों की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और समय। सरसों की खेती सर्दियों की ऋतु में की जाती है। इसके लिए ज़्यादा गर्मी में तापमान की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में सरसों की खेती कर सकता है। सभी प्रकार के मिट्टी में किसान सरसों की खेती कर सकते हैं। हरियाणा में ज़्यादातर स्थानों पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन वहाँ भी सरसों की खेती बड़े पैमाने पर अच्छी पैदावार हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छी उपज वाली मिट्टी की बात किया जाए तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी मानी जाती है। उन्नत किस्मों के बीज। सरसों की फसल के लिए कई प्रकार के हाइब्रिड व उन्नत किस्मों के बीज बाजार में उपलब्ध है। सरसों की फसल के बीज वैसे तो काफ़ी महंगे होते हैं। एक या दो एकड़ वाले किसान इसे आसानी से नहीं खरीद सकता, लेकिन किसान यदि फिर भी मेहनत करके सरसों की खेती करना चाहे तो अच्छा मुनाफा भी कमा सकता है। सरसों की फसल के लिए उन्नत किस्म के बीज विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। किसान इस प्रकार से हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करके अच्छी पैदावार में मुनाफा ले सकते हैं। RH30 यह बहुत ही अच्छी किस्म की बीज है, जिसे किसान शुष्क क्षेत्रों में भी बो सकता है, जहां पर पानी की कमी हो, और जहां पानी ज़्यादा हो वहां भी इस फसल को लगा सकते हैं। इस बीज को आप लगा सकते हैं। साथ ही आप T59 की उपज असंचरित व्यवस्था में भी की जा सकती है। इसके ऊपर 15 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। इसमें तेल की मात्रा 36% होती है। आरावली RN393 यह सफ़ेद रोली के मध्य प्रतिरोधी है। NRBCA 101 यह सिंचाई क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी किचन मानी जाती है। इसका उपयोग 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ दर्ज किया गया है। NRCDR2 इसका उत्पादन अपेक्षाकृत बहुत अच्छा है। इसका उत्पादन 20 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ तक माना जाता है। RH749 इसका उत्पादन 24 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ तक दर्ज किया जा चुका है। बुआई के लिए शुष्क क्षेत्रों में बीज के मात्रा 4 से 5 किलोग्राम तक और सिंचाई क्षेत्र में 304 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयुक्त माना जाता है। अब इसके तकनीक जानकारी प्राप्त करते हैं कि जब भी अगर किसी भी प्रकार की असुविधा हो बीज बोने में या बीज से संबंधित शिकायत करना हो तो क्या चीज़ करना चाहिए। गर्मी और बारिश में खरीफ फसलों में हुए नुकसान को देखते हुए इस साल भी सरसों की खेती के रकबे में बढ़ोतरी की संभावना की गई है। अब किसानों की उम्मीद रबी फसलों पर टिकी हुई है। सरसों की खेती के बारे में तकनीकी जानकारी के लिए किसान अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी सरसों की बीज की खेती के बारे में। आज